नदी किनारे एक बड़ा सा महल में सोमू राजकुमार अपनी पत्नी केसपरी खुशी के साथ रहता था। केसपरी खुशी और सोमू की एक बेटी थी। केसपरी ने बड़ी प्यार से बेटी के नाम रखा था राया। और राजकुमार को मछली पकड़ने का बहुत शौक था। नहीं, मेरे से और नहीं होता। पूरा दिन मछली पकड़ने के लिए बैठा हूँ, एक भी मछली नहीं फंसा। ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं महल लौट जाता हूँ। राजकुमार समूह उदास होकर अपने महल में लौट आते हैं। लो, आ गए हमारे राजकुमार जी। घर लौटने की क्या जरूरत थी? तुम सिर्फ मछली ही पकड़ते रहो। ओ केसपरी, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो ठान लिया हूँ कि जब तक इस छड़ी में मछली नहीं फंसेगा, तब तक मैं मछली पकड़ना बंद नहीं करूँगा। जिस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हें और तुम्हारी ये मछली पकड़ने वाली छड़ी को मैं नदी में फेंक दूंगी। ये मैं साफ साफ कह देती हूँ, याद रखना। पिताजी, आपको मछली नहीं मिलती, फिर भी आप नदी किनारे बैठे क्यों रहते हो? कल से मत जाना। बेटी भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हुई है। उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था, इसीलिए राजपाट में कोई दिलचस्पी ना लेकर सिर्फ मछली ही पकड़ते रहता था। अगले दिन सुबह मछली पकड़ने की छड़ी हाथ में लिए मन ही मन कहा, इससे पहले कि केसपरी उठे, मैं छड़ी को लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो आज भी जाने नहीं देंगे। इसके कुछ देर बाद केसपरी और राया नींद से जाग उठा। देख देख, तेरी पिताजी का कांड देख। मछली पकड़ने के लिए मना की थी ना, इसीलिए जल्दी उठकर भाग गए। अगर वो मछली ना लेकर घर लौटे ना, तो अच्छे से मजा चखाऊंगी। माँ, आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए हम दोनों जाके पिताजी को ले आते हैं। ठीक कहा तूने, पहले घर का काम संभाल लो, फिर नदी किनारे जाके छड़ी को तोड़ के नदी के पानी में फेंक दूंगी। मैं बहुत थक गया, पूरा दिन बैठ के सिर्फ एक ही मछली मिला है। नदी के सारे मछली क्या मुझे देख के भाग जाते हैं? लगता है एक मछली छड़ी में फंसा है, जल्दी उठाता हूँ। ठीक उसी वक्त राया और खुशी राजकुमार के पीछे जाके रुका। तभी सोमू मछली पकड़ने की छड़ी को खींचता है और कांटा जाकर पीछे खड़ा केसपरी की माथे पे अटक जाता है। अरे, मछली पकड़ने की छड़ी पीछे क्यों फंस गया? अरे राजकुमार, कांटे मेरे माथे पे फंसे हैं, तो फिर आगे जाएगा कैसे? कांटे को तो छुड़ाओ। अरे, तुम चुपके से आके पीछे क्यों खड़ी हो? फिर सोमू ने अपनी पत्नी के सिर से मछली पकड़ने की कांटे को छुड़ा लिया। मैं सोची थी तुम्हें और तुम्हारी छड़ी को नदी में फेंक दूंगी, लेकिन उसके बदले कांटे से मेरे कितने बाल गिर गए। लो, मुझे ये मछली पकड़ने की छड़ी दे दो, मैं अभी ये फेंक दूंगी। जरा रुको केसपरी, और दो बार मैं मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं फंसे तो छड़ी को फेंक ही देना। ठीक है, याद रखना, सिर्फ दो बार। केसपरी, लगता है छड़ी में मछली फंसा है, क्या मैं उठाऊं? देखो केसपरी, कितनी बड़ी मछली फंसी है। ठहरो, और एक बार मैं फेंकता हूँ। केसपरी, लगता है और एक बड़ी मछली फंसी है। अरे खींचो खींचो, छड़ी को ऊपर खींच के लाओ। पिताजी, आपने देखा हम दोनों कितने सुलक्षणा है? हम दोनों जब से यहाँ आए हैं, तब से ही मछली फंस रही है। तूने ठीक ही कहा, तेरी पिताजी को मछली पकड़ना नहीं आता, तुम मछली पकड़ते रहो, हम यही बैठते हैं। लक्ष्मी, ये मेरा इतने दिनों का मेहनत का नतीजा है। इसके बाद सोमू राजकुमार बहुत सारी मछली पकड़ते हैं। आज मेरी किस्मत खुल गई, मुझे कितनी मछलियाँ मिली। लगता है मछलियाँ ऊपर उठने के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि कौन आया है आज, तुम्हारा पत्नी। छोड़ो, आज और मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, चलो अब घर लौट चलते हैं। इसके बाद वो तीनों घर लौट आते हैं। फिर केसपरी अच्छे से मछली पकाने लगे। फिर दोपहर को
तीनों बैठ के मजे से खाना खाते हैं। आहा, केसबड़ी, ये मछलियों का क्या स्वाद है, लगता है अमृत खा रहा हूँ। खा बेटी, मन भर के मछली खा। कितने दिनों बाद आज मुझे मछली पकड़ने में सफलता मिली है। अगले दिन सुबह सोमू मछली पकड़ने जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता है, केसबड़ी, मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, हो सके तो आज भी जाना। नहीं, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, घर पे बहुत सारे काम है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फिर सोमू राजकुमार मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाते हैं। कल जब तक केसपरी के बाल इस छड़ी में फंसा था, तब तक मुझे मछली मिलती रही। आज इस छड़ी से बाल को हटा के देखता हूँ, मुझे मछली मिलती है कि नहीं। फिर सोमू बाल को छुड़ाकर कांटे को नदी में फेंकता है। नहीं, छड़ी से बाल को हटाने पर एक भी मछली नहीं मिली। लगता है इस बाल में कोई राज छुपा है। फिर राजकुमार अपने महल में लौट जाते हैं। अरे ये क्या, आज तुम इतने जल्दी घर आ गए? आज अच्छा नहीं लग रहा। सुनो ना, तुम कंघी करने के बाद तुम्हारी जो बाल झड़ जाती है, उससे तुम क्या करती हो? मुझे कुछ झड़े हुए बाल दे सकती हो? अरे क्यों, मेरी बाल लेकर तुम क्या करोगे? सुना है कि बच्चे झड़े हुए बाल बेच के मीठी गोलियां खरीद के खाते हैं, तो मैं भी खाऊंगा। क्या मैंने सोचा था कि इस उम्र में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा? अगर मुझे मालूम होता तो मेरे सारे बाल पहले से ही रख देते। कुछ झड़े हुए बाल अगर है तो दो ना। फिर केसपरी ने राजकुमार को अपने कुछ गिरे हुए बाल देती है। ये लो, अगर जरूरत पड़े तो और दूंगी। जाओ, अब मुझे और तंग करना बंद करो। अगले दिन सुबह सोमू राजकुमार मन ही मन सोचा, नहीं आज ये छड़ी नहीं, ये जाल लेके जाता हूँ और जाल में ये बाल बांध के देखते हैं कि मुझे आज कितनी मछलियाँ मिलती है। राजकुमार जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता है। उस जाल में पत्नी के सिर के बाल को बंध देते हैं। जरा देखे जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है कि नहीं। कुछ देर बाद जाल को ऊपर उठाता है। अरे जाल में कितनी सारी मछलियाँ, लगता है ये बाल सच में जादुई है। ऐसा क्या राज है ये बाल में कि मेरी पत्नी के बाल ऐसे जादुई है? इस तरह राजकुमार पत्नी के बालों से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने से कुछ खुद के लिए रखते हैं और बाकी गरीब मछुआरे में बांट देते हैं। केसपरी, ओ केसपरी, तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है, क्या मेरे साथ तुम जाओगे? हाँ जाऊंगी, लेकिन मैं साथ में राया को भी ले जाऊंगी और वहाँ जाके हम तीनों मिलके बहुत मजे करेंगे। हाँ माँ, बहुत मजे करेंगे, चलिए चलिए जल्दी चलिए। इसके बाद सोमू राजकुमार जाल, मछली पकड़ने की सामान लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ जाते हैं। केसपरी, मुझे लगता है तुम्हारी बाल जादुई है। जब भी तुम्हारी बालों से मैंने छड़ी या जाल डाला, तभी मुझे ढेर सारे मछलियाँ मिले। पागलों की तरह ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे छड़े हुए बाल के कारण? फिर सोमू राजकुमार हंसते हुए जाल से केश को बांधते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो, जाल में बाल क्यों बांध रहे हो? सोमू राजकुमार पानी में जाल डालते ही बहुत सारे मछलियाँ फंस जाती है। देखा केसपरी, तुम्हारी बालों का कमाल, अब देखो बालों के बिना अब क्या होता है। लेकिन राजकुमार, बिना बाल के जाल फेंकने पर एक भी मछली नहीं फंसी। अब देखा, जाल में एक भी मछली नहीं फंसा, बालों में जरूर कुछ तो है। अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे बाल में ऐसे क्या रस छुपा है कि बालों से मछली पकड़ते ही इतनी मछली मिलती है? सच में मुझे कुछ नहीं पता, अगर पता होता तो पहले ही तुम्हें बता देती। ठीक उसी वक्त नदी से एक नीला जलपरी निकली। फिर उसने बोली, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी की जादुई बाल के बारे में, क्या तुम सुनना चाहोगे? जरूर जरूर जलपरी, इस बाल का रहस्य क्या है हम जानना चाहते हैं कि हमें इससे मछली क्यों मिलती है। जन्म के बाद आपकी पत्नी के सिर पर एक भी बाल नहीं थे, इसीलिए उनके पिता एक नागराज के पास जाते हैं। नागराज, मेरी बेटी का जन्म से आज तक एक भी बाल नहीं उगी,
इस समस्या का कुछ हल बताइए नागराज। उस जंगल किनारे एक नदी है, उस नदी की नीला जल पड़ी से जड़े हुए सल्क लाना पड़ेगा तुम्हें, उससे तुम्हारी बेटी का बाल मैं बना दूंगा। केसपरी के पिता नदी किनारे बैठ के जलपरी को स्मरण करने लगे। नीला जलपरी, तुम ऊपर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बताओ, तुमने मुझे क्यों पुकारा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? नीला जलपरी, मेरी बेटी का सिर पे एक भी बाल नहीं उगी, मुझे आपकी झड़ी हुई सल्क चाहिए जिससे मेरी बेटी का नए बाल उगेगी। फिर नीला जलपरी जादू से अपने कुछ सल्क उनके हाथ में देती है। ये लो मेरी झड़े हुए सल्क, अगर मेरी कारण आपकी बेटी को बाल मिल जाए तो मैं खुद को धन्य महसूस करूंगी। और हाँ, इस सल्क से अगर तुम्हारी बेटी के सिर पर बाल उगे तो पूरे जीवन इस बाल से तुम मछली पकड़ पाओगे। धन्यवाद जलपरी, आप मैं चलता हूँ। इसके बाद केसपरी के पिता नागराज के पास जाता है और वो जलपरी के सल्क उन्हें देता है। नागराज उनके जादू से केसपरी के सिर पर बहुत सारे बाल उगाते हैं। यही है तुम्हारी पत्नी की जादुई बालों का राज। तब मैं बहुत छोटी थी, पिताजी मुझे कुछ कहने से पहले ही वो गुजर गए और इसीलिए इस जादुई बाल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पहले ये राज पता होता तो हाथ में छड़ी लिए घंटों तक बैठना नहीं पड़ता। बहुत हो गई, अखर चलो, पूरी जिंदगी पड़ी है इस जादुई बाल से मछली पकड़ने के लिए। इसके बाद से सोमू राजकुमार हर दिन नदी में से बहुत सारे मछली पकड़ते थे। कुछ मछली अपने लिए रखने के बाद बाकी बचा हुआ मछली सारे नगर वासियों में बांट देते थे। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नए मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।